नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज का ब्लॉग का खास बात यह है कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो हम लोग तैयार होके लंच के लिए जा रहे हैं। तो हस्बैंड के लिए मैंने कुछ स्पेशल लंच का तैयारी किया है, तो जो कि उनको पता नहीं है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं, बर्थडे बॉय भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं भी गाड़ी में बैठ जाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं EMI बस होते हुए, वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने पहले ही बात कर लिया है, जो कि हस्बैंड को पता नहीं है। तो आज हम वहीं पे लंच के लिए जा रहे हैं, हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ है। तो ये देखिए, हम लोग रास्ते से निकल चुके हैं और EM बाईपास से होते हुए हम जा रहे हैं 6 बालीगंज प्लेस, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, हम लोग वहाँ पे आ गए हैं, ये रहा नाम। तो जैसे ही हम लोग अंदर आए, दोपहर का टाइम था, बहुत भीड़ था, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग डायरेक्ट ऊपर चले गए थे और वहाँ जाके देख लीजिए, मैं आपको वो रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। ऊपर बहुत खाली खाली था, बहुत ही सुंदर से ये रेस्टोरेंट डेकोरेट किया हुआ है, हर जगह थाली और सब खाना जो है लोग पीतल की थाली में सर्व करते हैं। तो हस्बैंड को एज यूजल उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं बोला था क्योंकि मैं मेरा तो बात पहले ही हो चुका था। तो फिर बीच में मैंने उन्हें रोक के बोला कि रुकिए, मेनू पहले से ही डिसाइडेड हो गया है, बस आप बैठे रहिए। तो देखिए आप, सबसे पहले उन्होंने मिनरल वाटर दिया था, उसके साथ में उन्होंने नींबू और मिर्च दिया था। मिर्च को देखिए, ये लोग टूथपिक के साथ इस तरह से देते हैं। और इसके बाद से फ़िश फ्राई आया, जो कि हस्बैंड को पता ही था कि पहले जाते ही फ़िश फ्राई ऑर्डर होगा, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद था। तो पहला फ़िश फ्राई मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, क्योंकि उनका बर्थडे है तो उनको बहुत टेस्टी लगा। ये देखिए, खाए और उनका एक्सप्रेशन देखिए, एकदम से उनको बहुत पसंद आया। इसके बाद से जिसने ऑर्डर दिया था, जिसके लिए खास था, ये देखिए वो भी मज़े लेके खा रहा है। इसके बाद का जो मेनू है वो मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था, तो बस बाबू फिश फ्राई खाने में लग गया है। अब ये देखिए मेनू, पहले आया पूरी, गर्मा गर्म पूरी, उसके बाद से ये देखिए, आप लोग सिर्फ काउंट करते रहिए कितना स्पेशल थाली है ये, जो कि मैंने पहले से ही इन लोग को फ़ोन करके बता दिया था कि मुझे ये डिशेज चाहिए। पहले रहा आलू दम, उसके बाद से आया दाल, इसके बाद से ये देखिए बाटी चौरचौरी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिले थे, बहुत टेस्टी था। साथ में थोड़ा सा साग, बर्थडे में यहाँ पे साग जरूर खाया जाता है। साथ में ये रहा मीठा चटनी, उसके बाद से ये देखिए इसमें दिया गया ये क्या, मटर पनीर। जी हाँ, ये है मटर पनीर। इसके बाद से और भी आ रहा है, साथ में देख लीजिए, ये रहा राइस। राइस के साथ मैंने काफ़ी चीज़ ऑर्डर किया था, ये देखिए, ये रहा फिश, कतला मछली था बड़े साइज का। इसके बाद यहाँ रहा मटन, मटन के साथ मैंने चिकन भी ऑर्डर किया था। ये रहा पाथुरी, जो कि फिश को केले के पत्ते में भाप के बनाया जाता है। और ये रहा पापड़, बाद में चिकन भी आया। बस ये रहा गुलाब जामुन। तो ये रहा इनका बर्थडे स्पेशल लंच, ये रहा बर्थडे बॉय। चलो सबको बोला हैप्पी बर्थडे, बोलिए तो आप लोग सबको। थैंक यू। चलिए अब खाना सर्व कर दें, हम कर दें, नहीं आप कर दीजिए भैया। तो आपको कैसा लगा? ये रहा राइस आ रहा है बीच में, एक स्पून। ईशान जाओ, पापा को पहले खिलाओ तो तुम। चलिए अब हम भी खिला दे आपको, थोड़ा आप ले लीजिए ना, हम इनको खिला। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। साग से खाएंगे, लंच फिनिश करने के बाद से हम लोगों का प्लान हुआ कि हम लोग घर ना जाके पहले पूरी देखने जाएंगे।
इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया कि कुछ शॉपिंग भी किया। मूवी का टिकट पहले ही बुक कर लिया था ऑनलाइन, उसके बाद से हम लोग शॉपिंग करने चले गए। शॉपिंग के करने से पहले हम लोगों ने पूरा मॉल देखा, काफ़ी बड़ा मॉल था। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी बच्चों के लिए, काफ़ी गेम था, बाबू बहुत गेम इंजॉय किया। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग की, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग बने रहिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बाबू पे सीढ़ी चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बार बार सीढ़ी पे चढ़ा और उसने दो टाइम सीढ़ी पे चढ़ा और उतरा। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट से मूवी की तरफ चले गए। तो हम लोगों ने जो मूवी देखना टिकट जो बुक किया था वो मूवी बहुत खास नहीं है, लेकिन अभी का फेमस मूवी था। तो क्या नाम था, लापता लेडी, ऐसे ही मूवी का नाम था, जो कि सच में बहुत अच्छा, कम बजट का ही मूवी है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। ये रहा हमने मूवी के देखने की तरफ जा रही, ये रहा बाबू दिखा दे रहा है कि हम लोग कौन सा मूवी देखेंगे, लापता लेडी। बाबू काफ़ी एक्साइटेड था, नाम भी बता दे रहा है आप लोगों को। तो बस हम लोग ने मूवी देखा, ये देखिए शो खत्म हो गया, काफ़ी रात हो चुका था क्योंकि हम लोग का इवनिंग का शो था, लेट नाइट हो चुका था। तो क्या किया, रास्ते से ही हम लोगों ने केक ले लिया, क्योंकि केक को कट करने के लिए पहले सोचे थे कि कहीं कुछ प्लान करेंगे, लेकिन काफ़ी लेट हो जाने के बाद से हम लोग डायरेक्ट घर चले गए केक खरीद के और घर पर केक कटिंग की। तो घर आके मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, दो चार गुब्बारे मैंने फुला लिए और हम लोग साथ में बैठ के ये देखिए केक कटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था और हम लोग काफ़ी टायर्ड भी हो चुके हैं। तो बस कुछ डेकोरेशन नहीं की, दो चार गुब्बारे फुला के उनके ऊपर मैंने इस तरह से बरसाया और चलिए अब देख लीजिए केक कट कर रहे हैं। तो बाबू काफ़ी खुश था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा मेरा सरप्राइज़। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को देती रहूं, दिखाती रहूं। तो ये देखिए केक कटिंग हो चुका है, बाबू ने पापा को केक खिलाया, पापा देखिए खुद से ही पहले उसने केक खा लिया, बाद में उसके पापा ने भी उसे केक खिलाया, फिर मैंने भी हस्बैंड को केक खिलाया। बाबू ने बहुत प्यारा सा एक गिफ्ट दिया था जिसको मैं वीडियो में लेना भूल चुकी थी। तो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, और फिर से मेरे हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।